तो अभी गाइस मैं पार्लर से आ चुकी हूँ रूम पे और मैं बाइक में थी इसलिए मैं मेहंदी भी लगा, बारिश आ गई, गुस्से इतना हो रहा ना। और आज ही करवा चाहते गाइस और क्या करूँ, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं पार्लर में वीडियो तो मैं बना ही नहीं पाई, मैं भूखे मर जाऊंगी फिर पूरे रात। पर मैंने कल रात से खाना नहीं खाया और ना मैंने एक बूंद पानी पिया है। और मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि बस पानी पीने का मन कर रहा है, बस पानी पीने का मन कर रहा है। और बाहर का मौसम इतना खराब है। मैं खुद कार्तिक को लेकर भी बाइक में आई और बारिश भी हो रहा था उस टाइम, थोड़ा बहुत बारिश हो रहा था। तो देखो आके यहाँ पे लेता हूँ और अभी सोचो उसके पास दूध पिला दूँ फिर। मैं इसको रख के भी कहाँ जाऊँ मेहंदी लगाने, मेरे को मेहंदी भी लगवाना है। मतलब मेहंदी नहीं, मैं छपवा के आ जाऊँगी तुरंत। तो अभी देखते हैं कहाँ जाते हैं मेहंदी लगवाने। तो क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी तो जाना ही पड़ेगा मेहंदी लगवाने। वैसे मेहंदी लगवाऊंगी, मैं सोच छपवा ली थी मेहंदी सिर्फ, क्योंकि फिर छठ पूजा में लगवाना ही है, फिर दिवाली में भी लगाना है, इसलिए तो फटाफट जाते हैं छठ, मतलब मेहंदी छपवा के फिर जल्दी से आ जाएंगे वहाँ से। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो 4 बज चुका है मेरे को, फिर कथा भी सुनना है। तो पहले नहाना है, फिर कथा सुनना है, मेरे को रेडी भी होना है, रेडी होना है, फिर उसके बाद पूजा करके फिर मेरे पास कोई काम नहीं है, बस मैं बैठी रहूँगी उस पर नॉर्मल बस अपना। मिस्टी ने आज एक चैलेंज लिया है कि सारा ब्लॉग खुद शूट करेगी। बस मार्केट करूंगी, बाकी मैं कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा वैसे मूड बहुत ऑफ हो गया इसलिए। मेरा भी मूड ज्यादा ऑफ हो गया मिस्टी से, क्योंकि अभी तक इसने मेहंदी नहीं लगाया है और आज ही करवा चौथ है और शाम के 4 बज चुके हैं। किसने नहीं लगाया? तुम्हारे पास शनिवार को टाइम था, शाम को जाकर आराम से लगवा सकती थी। पर इसका ये कहना है कार्तिक समझ नहीं आ रहा। अगर आप लोग कुछ कमेंट कर सकते तो कमेंट करके बता देना। सो अभी हम लोग आए आट्टा मार्केट और यहाँ पे मेहंदी लगवाएगी मिस्टी। और मिस्टी का प्लान है वो जो छापने वाली मेहंदी होती है, जो फटाफट 1-2 मिनट में छाप देते हैं, वही वाली लगवाने की। देखते हैं अगर वो हमें मिल गया तो लगवा लेंगे, नहीं तो फिर क्या करना है, फिर तो टाइम नहीं है मेहंदी लगवाने का। भीड़ कितनी है यहाँ पे। फाइनली हमें मिल गया, मेरा सर बहुत घूम रहा है तो मैं जल्दी जल्दी लगवा लूंगी पहले तो, है ना। तो अभी मिस्टी की मेहंदी लग रही है छापने वाली और मैं और कार्तिक हम लोग यहाँ पे अभी देख रहा है। क्या हो गया बेटा? मिल गया फाइनली तुम्हारा। मैंने बोला था ना मिल जाएगा। तो ये मैंने पीछे ले गया। बिजली कड़क रही है भाई, जल्दी जाना पड़ेगा। दिखा हाथ दिखा। तो गाइस मिस्टी का मेहंदी लग चुका है, इसे कहते हैं एकदम जल्दीबाजी का मेहंदी, है ना। लेकिन अच्छा लग रहा है। तो अभी मिस्टी अभी यहाँ पे ले रही है ये मटकी और छन्नी वगैरह वगैरह जो भी हम यूज़ करेंगे। और ऊपर गाइस मतलब ना इधर देखो, इधर का मौसम देखो एकदम ख़राब हो गया मौसम भाई, बारिश आने वाली है बहुत तगड़ी वाली, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। ले लिया मिस्टी कार्तिक। आज के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है मार्केट में और ऊपर से आज मौसम भी ख़राब है। हमारे आने से पहले बारिश भी हुई तो अभी तो बारिश मतलब बंद है, इसलिए हम लोग आ गए थे, नहीं तो मैं आता नहीं। और हम लोग सोच रहे हैं बस जल्दी से निकले यहाँ से क्योंकि बारिश आ सकती है। तो हम लोग अभी अभी जस्ट घर पे आए हैं और बाल कैसे हो गए मुर्गा छाप स्टाइल। जो जो सामान लेना था गाइस सब कुछ ले चुके हैं सब। और फाइनली बारिश नहीं हुआ, मतलब हम जब निकले थे तो उस टाइम बारिश बंद हो चुकी थी। तो मैं सोच रहा था कहीं हम लोग कहीं उधर रहें और बारिश वारिश ना हो जाए, तो बारिश तो हुआ नहीं। लेकिन हाँ बिजली एक बार बिजली चमकी थी ना बहुत तेज,
बिजली इतनी तेज कड़की ना, फिर मैं सोचा कि भाई कहीं आएगा बारिश वारिश, बट वो कहावत आपने सुनी है ना, जो गरजता है वो बरसता नहीं है। और मिस्टी अब अपना अच्छे से दिखाओ, उस टाइम ना बहुत शोर वगैरह होता। सो ये है मेहंदी है ना, और ये मतलब इस हाथ का जो लड़के ने लगाया वो थोड़ा सा ना गलत सलत लगा दिया उसने थोड़ा सा, और ये एक अंडी ने लगाया वो उन्होंने अच्छे से लगाया पूरा एकदम, है ना। वैसे काम चलाओ के लिए ठीक ठाक है, ठीक ठाक है भाई, तुरंत तुरंत काम हो गया एकदम, है ना। सुखाने की झंझट खत्म एकदम। मिस्टर से कह रहे थे नहीं मिलेगा, नहीं मिला तो। नहीं था शायद, पिछले साल हम गए थे कि नहीं मिला था, पिछले साल नहीं था बट इस साल था। और गाइस इस बार मुझे करवा चौथ में गिफ्ट नहीं चाहिए, क्योंकि मिस्टर ने मेरे को पहले ही आईफोन दिया था गिफ्ट। तो मिस्टी आपसे ये कह रही है, देखो ये मत सोचना मैंने मिस्टी को बोला ये बोलने के लिए, ठीक है, क्योंकि मेरे को देखो हाँ जो भी चीज़ मतलब जरूरत थी वो तो दे दिया मैंने, है ना। मेरे को आईफोन की पहले से मतलब बहुत ज़्यादा जरूरत थी, तो टिकटॉक सब टिकटॉकों में फेमस होने लगे तब से, तो वो तो मिस्टर ने मेरे को दे ही दिया, वो भी इसी साल दिया, वो भी कुछ महीने पहले ही दिया, तो मैं इस मतलब इतना पैसे खर्च हो गए तो मैं इस मतलब इस टाइम। मिस्टर का कहना ये है सिंपल कि मुझे कुछ दो मत, बस मेरे को पिज्जा खिला देना रात को। हाँ लेकिन अच्छा था, बड़ा वाला हाल होगी। अच्छा हाँ तुम तो भूखी हो ना, पकड़ो। पता है मैं बहुत ज्यादा भूखी, मैंने मिस्टर से बोला कि पनीर ले चलना, हम लोग पनीर भी लेके आए रात का ना खाने के लिए, रात को हमारा पूरी बनेगा और पनीर मटर पनीर की सब्जी और खीर, है ना। हाँ, आज मैं बहुत दबा के खाऊंगी, क्योंकि पता है बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है। नहीं पिछले साल मेरे को इतनी भूख नहीं लगी थी, क्योंकि पिछले साल मैंने काफ़ी आराम किया था यार, मतलब फास्ट में भी मैं सोई भी थी 3-4 घंटे, फिर उस टाइम मैं से कार्तिक को दूध, कार्तिक था नहीं तो उस टाइम, अभी कार्तिक को दूध पिलाना होता है तो इसे जो मेरे अंदर जितना भी ये एनर्जी वो सारा कार्तिक के अंदर जा रहा है, वो जितना दूध वगैरह पीता है इसलिए, और मेरे अंदर बिल्कुल जान नहीं बची। मैं पता है रास्ते में मेहंदी लगाने जा रही थी, रास्ते में तो सर घूम रहा था, फिर मैंने मिस्टू को दे दिया, कार्तिक बन रहा तुम पकड़ो तो गिर गिरा जाएगा फिर कार्तिक। और गाइज आप बताना मेहंदी कैसा लग रहा है, बस इस हाथ का मेहंदी थोड़ा सा मतलब मोटा मोटा सा रहा है, पर फिर भी कोई नहीं, ठीक है, काम चलाओ के लिए ठीक है गाइज काफ़ी। और ये मैंने फर्स्ट टाइम लगाया, थोड़ा सा मेरे हाथों में ना थोड़ा जलन भी हो रहा है, थोड़ा सा जलन हो रहा है। हाँ तो तुमको मतलब ये सूट नहीं कर रहा। हाँ ये थोड़ा सा जलन हो रहा है मेरे को, कोई नहीं पानी वानी थोड़ा टच करूँगी, मेरे को बर्तन वर्तन भी धोना है और पूजा का सारा सामान मेरे को रेडी करना है, जब सब कुछ रेडी हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी, और बाकी मिस्टर थोड़ा बहुत दिखा देंगे आपको क्या क्या हो रहा है। तो गाइस अभी मैंने सारा अपना रूम वूम सारा बंद करो थोड़ा सा अपना। तो गाइस अभी मैंने सारा चीज शुरू कर लिया है और झाड़ू पोछा सब लगा लिया है, अब जा रही हूँ मैं अपना मंदिर थोड़ा सही करने, क्योंकि उसमें पूजा वूजा करना है, तो अभी चलते हैं सारा रखते हैं पहले सामान, और मेरा मंदिर ऊपर है तो मैं नीचे करूँगी, क्योंकि यहाँ पे कंफर्टेबल होकर बैठ के किया जाता है पूजा इसलिए। यहाँ पे रख लिया और अभी जा रही हूँ चिपकाने में, चिपका लूँगी फिर ये सारा लोटा वगैरह इधर रख दूँगी मैं, और फिर मैं भी थोड़ा रेडी वेडी हो जाऊँगी फटाफट, और खाना वाना बन रहा है गाइस उस रूम में मेरा, अभी सारा सजाना है अच्छे से। भाई साहब आज है करवा चौथ, और आवाज़ सुनो अगर आपको आ रही हो बिजली की आवाज़, मौसम देखो और ये देखो पानी देख रहे हो, तगड़ी बारिश हो रही है एकदम, और हमारी मिस्टी जी यहाँ पे पूजा में लगी पड़ी है। मिस्टी कुछ बताओ, ये पूड़ी वगैरह मतलब सब चढ़ाते हैं, है ना, पूड़ी वगैरह चढ़ाया है और खीर अभी खिलाना पड़ेगा, खीर खिलाना पड़ेगा ना अभी। तो यार मतलब ये गलत चीज़ है यार, पता नहीं अब अगर चांद कब तक निकलेगा, बादल वादल होंगे ना अभी, तो आज तुम्हारी वाट लगने वाली है बेटा। अभी देखते हैं अभी। भाई अलग ही सीन चल रहा है बाहर का, अभी तो पूजा चल रही है।
A few moments later. Guys, अभी आप देख सकते हो मैंने आज इस बार मैंने बहुत सिंपल से रेडी हुई हूँ क्योंकि इस बार बारिश वगैरह हो गई है ना सना? बारिश भी हो रही है और इस बार हम लोग बहुत मतलब काफी लेट हो गए थे सब कुछ करने में और आप देख सकते हो मेरा पूजा वहाँ पे हो गया है और मतलब काफी ज्यादा लेट हो गए थे यार, अब क्या करे बट कोई नहीं। और आप बताना आपको कैसा लग रहा है ये लुक, और मैंने बहुत ही सिंपल वेयर किया गाइस, तो मैंने वो माला वगैरह कुछ भी नहीं पहना है क्योंकि वैसे ही मूड ऑफ था मेरा सुबह से थोड़ा सा किसी बात को लेके, और अभी पूजा करने में भी थोड़ा सा टाइम लग गया, लाइट आ रही है जा रही है इसलिए, बट कोई नहीं जैसा भी क्या हर टाइम एक जैसा नहीं हो सकता ना, इसलिए कभी जो होता है टाइम ऊपर नीचे होता रहता है तो इसलिए बस। लेकिन आप बताना आपको कैसा लग रहा है ये लुक, और मेरी तरफ से सभी को हैप्पी करवा चौथ, और आपने मेहंदी देख ही लिया होगा मेरा। सो अभी कितना टाइम हो रहा है सरा, कितना टाइम हो रहा है? अभी 9 बजने वाला है गाइस, अब तक चांद पता नहीं निकला कि नहीं निकला, अभी जा रहे हैं उसको देखने क्योंकि न्यूज में दिखा रहे हैं हर जगह निकल चुका है, अब यहाँ का पता नहीं, अब जा रहे हैं निकल गया बट दिखेगा थोड़ी क्योंकि बादल इतना है, अभी बारिश इतना हो रहा है, बिजली भी इतना चमक रहा है ना कि बोलो मत कुछ भी हो। अब हमें यहीं से करना पड़ेगा क्योंकि मम्मी ने वीडियो कॉल किया था अभी गांव से, है ना? तो हम लोग का एक तरीका है, वीडियो कॉल में मम्मी चांद दिखा देंगी गांव का। हाँ, और मिस्टी ऐसे मम्मी बता रही है अभी मतलब काफी जगह पे लोग कर रहे हैं, अभी 8:30 बजे से करना स्टार्ट किया, मतलब 8:30 बजे से चांद निकल गया था, 8:15 बजे से ही, तो मम्मी कह रही है मैं वीडियो कॉल कर देती हूं। बहुत ज्यादा बारिश हो रही है यार, तो पॉसिबल नहीं है छत पे जाना, छत पे जाएंगे तो भीग जाएंगे, और दिया भी लेके जाना तो दिया भीग जाएगा। अब सब चलो गाइस, मैं तो चड्डी में बैठा हूँ, मैं सोचा था कि छत पे जाएंगे तो अच्छे से कपड़े पहनूंगा, घर के अंदर ही मैं सोचा क्या चेंज करूं, घर में ही तो कपड़े गए ना। चलो आ जाओ फिर, देखो मम्मी को कॉल करो, वीडियो कॉल बताओ उनको, तुम अपने फोन पे कॉल करो ना, फिर मेरे फोन से वीडियो शूट होता है, तो अभी हम जा रहे हैं वीडियो कॉल करने और उसी से हम लोग आज अपना व्रत तोड़ेंगे गाइस। मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है कि अब आज का करवा चौथ मेरा ऐसा गया बिल्कुल, मतलब आज का करवा चौथ मेरा ऐसा गया बिल्कुल। चलो वीडियो कॉल करते हैं और आप लोगों से शेयर करते हैं कैसे किया हम लोगों ने। तो अभी हमारा जुगाड़ क्योंकि बाहर बारिश हो रही है चल नहीं रही, सॉरी ये तो मैं ही हूँ, इसको इग्नोर मारो, ये देखो ये दिख रहा है आपको, ये बिंदी टाइप का दिख रहा है, ये चांद है तो हम लोग यहाँ गेट के बाहर करेंगे, और ये मैं कहाँ रखूँ यार, दो दो फोन है, ऐसे दिखाऊंगा ऐसे, हाँ ऐसे दिखाना है ना, ऐसे करके दिखाऊंगा चलो स्टार्ट जल्दी से, चांद इधर हो सबसे पहले, कैसे करते हैं भूल गई, पहले पानी देते हैं, अरे पहले क्या करते हैं मम्मी से पूछ के बताओ जल्दी फटाफट, देखो देखो मेरा चांद, लो चांद देखो, अभी मिस्टी चांद देख रही है, और वो किस तरह से देख रही है वो आपको दिखाऊंगा ना, अभी देखो ये रहा, ये दिख रहा वीडियो कॉल में, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि क्या करूँ भाई, फोन रख देता हूँ क्या साइड में, है ना? आप रख दो फोन, वैसे ये तो पकड़ना जरूरी ना चांद दिखाने के लिए, है ना? चांद देख लिया। हमारी करवा चौथ कैसे होती है चड्डी पहन के क्या करे भाई, अब बारिश का मौसम है, आवाज आ रही होगी साइड, इधर नहीं आ रहा पास में, इधर पानी तो गिर गया, अब इधर आ जाओ ना, यहाँ से अब तो उधर क्या पानी तो बाहर ही आ रहा था बस, और प्लस मेरे नाक पर क्यों हमेशा टीका गिरता है पता नहीं।
खाना बनाओ। अरे गिरा दिया सारा पानी में, अब पानी पिलाओ मेरे को। फूल वाला ये भी खिलाना खीर। मजाक कर रहा हूँ यार, क्या कर, जल्दी जल्दी होगा। बारिश हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा ऑर्डर करने का यार, बेचारा वो बारिश में आएगा लेके। अच्छा नहीं गया वैसे, मतलब वैसे नॉर्मल ही गया। आई होप आपको हमारी ये व्लॉग अच्छी लगी होगी, संस्कारी कनिका और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और तीनों का नाम नीचे लिख कर आ रहा है, इंस्टाग्राम का जाकर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से फॉलो कर सकते हो। सॉरी गाइस कल व्लॉग नहीं आया क्योंकि हम लोग कल थोड़ा बिजी थे, आपको पता चल जाएगा ये वाला व्लॉग देख के। वैसे वैसे हमारा प्लान था दो व्लॉग बनाने का, शॉपिंग का अलग और, बट एक में कर दिया सारा है ना। बट कोई नहीं, नेक्स्ट अब अगले साल हम लोग अच्छा से रहेंगे है ना, अच्छा से रहेंगे हम लोग अगले साल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Let the doubt creep in, gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in, easier to break it off best friends. I don't really understand myself, I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf, couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone.